मध्य प्रदेश ने एक बार फिर उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के पीएम स्वनिधि योजना में ढाई महीने पहले ही लक्ष्य को पूरा कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश द्वारा 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना से स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान के पथ पर अग्रसर किया गया है। मध्य प्रदेश योजना में प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में देश में प्रथम है। और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तीनों चरणों में अभी तक 7,08,255 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 6,47,951 हितग्राहियों बैंकों द्वारा इन्हें ऋण वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा योजना प्रथम चरण में प्रदेश को 5,20,000 पथ विक्रेताओं को 31 मार्च 2023 तक लाभ देने का लक्ष्य दिया गया था। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च के ढाई माह पूर्व जनवरी में ही लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 5,20,187 पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त कार्यशील ऋण पूंजी प्रदान कर दी गई है। ये राशि शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को DBT के माध्यम से बैंक खाते में अंतरित की गई है।